गुड़िया के बाल 10 रुपए, गुड़िया के बाल। अजी भाई साहब गुड़िया के बाल 10 रुपए। ओए पैंट लग रही है। सामने तालाब दिख रहा है नहीं? सतयुग की टाइम में पूरा देसी घी से भरा हुआ रहता था, पूरा किया हुआ। अभी इसको जो जैन मंदिर के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, इसको 1444 मन गोल्ड की मूर्ति है इसके अंदर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, सब कैसे हो? संचो रुके हैं और यहाँ से अभी चेकआउट कर रहे हैं। 6 बज गए हैं, नागे फ्रेश हो गए, रेडी हो गए हैं, क्योंकि अभी 150 किलोमीटर का भी सफ़र है बाकी हमारा। उसके बाद दिखाते हैं माउंट आबू में क्या क्या देखने का है। बैग निकाल लिए, चेकआउट की तैयारी, अंधेरा वार बिल्कुल। ये बैग भाई इसी डाला पैक कर लिए हैं हमने, अभी टांग लिए हैं, पोज में भर्ती हो वहाँ एकदम। देख लो पीस ने बैग भी पोजिया जी साले रहा। चल रहे हैं भाई, अंधेरा भी 6:30 बज गए। बाहर निकलने के बाद ठंड महसूस हो रही है, अंदर तो ठंड नहीं लग रही थी। ये सामने मेन रोड है, ट्रैफिक चल रहा है हैवी। यहाँ स्टाफ भी नहीं उठा अभी होटल का, गेट भी बंद है, पूछना पड़ेगा कहाँ सो रहे हैं ये। अभी दरवाज़ा बंद है, अभी कोई नहीं उठा है भाई। हिसाब किताब रह रहा था रूम का भी और खाने का भी, तो कर दिया मैंने, उठाया इनको हिसाब करने के लिए, क्यों सो रहे थे। और अब दरवाज़ा यहाँ से अब निकलते हैं आगे की तरफ। रस्ते में चाय पीने के लिए रोक ली होटल में, तो अरे ड्राइवर भाई बैठे हैं यहाँ ठंड लग रही है, सेक रहे हैं। ये देखो भाई कैसे देख रहे हैं ध्यान से, शर्मा गया भाई, शर्मा गया। माउंट आबू 25 किलोमीटर रह गया बस, धूप तो काफी तेज आ गई। ज्ञान सरोवर जा रहे पहले हम, तो यहाँ से माउंट आबू सिटी लगभग 20 किलोमीटर रहेगी और हमें पहुँचने में लगभग 35 मिनट लग जाएंगे। यहाँ से माउंट आबू का फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से माउंट आबू तक हो सकता है हमें कोई जानवर देखने को मिल जाए, तो देखते हैं अभी आगे। माउंट आबू सिटी लगभग अब 4 से 5 किलोमीटर रह गई और अभी 10 से 15 मिनट में हम आराम से पहुंच जाएंगे। लगभग 3 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच गए माउंट आबू और बस अभी पहुंचने वाले हैं ज्ञान सरोवर, फिर दिखाते हैं आपको। पहुंच गए भाई, दिखाते हैं आप लोगों को अंदर, या देखते हैं क्या सिस्टम है। एंट्री करेंगे पहले फिर अंदर चलेंगे, दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ ये वीडियो बनाना अलाउड है भाई, पहले एंट्री हो गया
मेन गेट से एंट्री करके, ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट है। ये अच्छा लग रहा है, शांति है बिल्कुल, यहाँ शर्म की तरह ही है। यहाँ ये सेवादार है, बहुत बड़ा है ज्ञान सरोवर। और दिखाते हैं आप लोगों को आगे, अभी गेट पे एंट्री कर लिए हैं और अब रिसेप्शन पे जा रहे हैं। यहाँ रिसेप्शन पे जाने के बाद कोई मतलब सेवादार गाइड मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ की सब चीज़ें जो भी है दिखा के विजिट करवाएंगे पूरे आश्रम का, और फिर दिखाते हैं आपको। वीडियोग्राफी अलाउड होगी तो आप पूरा दिखाएंगे आपको कैसा है। और ऐसी जगह आके काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत शांति रहती है। किसी भी आश्रम में जाओगे तो बहुत शांति रहती है, तो अच्छा भी लगता है। बहुत बड़ा आश्रम है ये ज्ञान सरोवर, यहाँ सारी फैसिलिटी है, रुकने का, खाने का, पीने का, लेकिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है। यहाँ फ्री है सारी सुविधाएं। हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं अभी यहाँ, अभी देखते हैं क्या क्या सिस्टम है, यहाँ बताएंगे आप लोगों को, लेकिन है काफ़ी शांति। ये रिसेप्शन है, अभी यहाँ जाएंगे। पूरी ग्रीनरी है यहाँ, यहाँ से ये गाइड मिले हमें और ये हमें अंदर से बिल्कुल अच्छे से दिखा के तब लेके आएंगे। ये जहाँ देखने हैं इसका नाम है ज्ञान सरोवर, ये 35 एकड़ में बना है। जिसको हरियाली देख रहे हैं, इसमें कोई केमिकल पदार्थ नहीं है, केवल गोबर है, मिट्टी है। जो लेटरिन बाथरूम है इनका पानी आकर के फिल्टर होता है, वो पौधों में आता है। ये बाहर ये सोलर सिस्टम जो पड़ा है, इससे 1200 लोगों का प्रतिदिन भोजन बनता है सोलर सिस्टम से। और यहाँ बत्ती कभी भी जाती नहीं, इससे ये हमारा मेडिटेशन रूम है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए पहले ज्ञान चाहिए, बिल्कुल। अब ज्ञान नहीं तो हम ध्यान किस पर करेंगे? इस समय सभी के दो पिता हैं, एक तो हमारे आपका शरीर का पिता, सबको अपना अपना है, जिसको मालूम शरीर के पिता के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन दुख के समय किस बात को जान पाते हैं? वो कौन है, उसका नाम क्या है? भगवान। आपके पिताजी हैं, पिताजी नाम थोड़ी, पिताजी का भी कोई नाम होगा, हमारे पिताजी, इनके पिताजी, इनके पिताजी, वो है परम पिता। परम पिता का मतलब उसका कोई सृष्टि पर पिता नहीं, वो निराकार शिव है। और उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, उसके पास सुख और शांति की प्रॉपर्टी। जितना आप अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे, उतना आपको सुख और शांति मिलेगी। लेकिन हम निराकार के साथ डिस्कनेक्ट हो गए और हम अपने को शरीर समझ के देहधारी को हमें भगवान मान लिए। आज एक घर में 4 लोग हैं तो 14 भगवान हैं, किसी ने नहीं कहा तो भगवान है। गॉड इज वन, ईश्वर एक है, वो हमारे आत्मा का पिता परमात्मा से। थोड़ा आगे मनस्तृष्टि का ध्यान, परमात्मा कहाँ रहते, बीज है ऊपर रहते, सारी सृष्टि नीचे, तो ऊपर से नीचे सब तांबे का बना है, नीचे से ये बीच में शिव परमात्मा दिखाया, एक ऊपर से स्टार है, ये आत्माओं के रूप में। हम ऊपर से सृष्टि पर चले तो है, लेकिन वापस नहीं जा सकते, क्योंकि पिता परमात्मा ही गाइड बन के वापस ले जाते हैं। ये दिखाया गया है, रात में लाइट जलती फव्वारा, बहुत अच्छा लगता है। Around the darkness of remaining detached. This is very, very important. I understand that we all want to be Ishwari Vishwavidyalaya. Ishwari Vishwavidyalaya.
दिल्ली में जयपुर में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन पूरे विश्व के बच्चों के बच्चे ने सभी समस्याओं का समाधान आपको दिखाई ठीक भैया। आश्रम से निकल रहे अभी, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत शांति थी यहाँ, बहुत कुछ मतलब बहुत ज्ञान हुआ, ऐसी ऐसी मतलब वही है ना 3 डेट वाली आमिर खान वाली बात है, एक ज्ञान जहाँ से मिले इकट्ठा कर लेना चाहिए, वही काम किया यहाँ। और प्रसाद दिया है, बहुत सिंपल खाना था, बिल्कुल सिंपल प्रसाद था। और अभी अच्छा निकल रहे हैं अभी यहाँ से, ज्ञान सरोवर से निकल के पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास और बैठ के निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लड्डू का प्रसाद दिया है, अरे लड्डू पे दाबा बोल दिया भूपेश ने, अतुल ने करवाया। अब ज्ञान सरोवर से निकल के दिलवाड़ा टेंपल जा रहे हैं, लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, दिखाते हैं आपको कैसा है। दिलवाड़ा टेंपल पहुंच गए हैं और यहाँ गाड़ी लगा दी पार्किंग में, बाहर पार्क कर दी रोड पे, और पीछे जाके थोड़ा पीछे जाके टेंपल है, दिखाते हैं आपको टेंपल। दिलवाड़ा मंदिर, गुड़िया के बाल भाई, गुड़िया के बाल 10 रुपए, गुड़िया के बाल अच्छी भाई साहब, गुड़िया के बाल 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए गुड़िया के बाल भाई। अंदर फोटोग्राफी तो बिल्कुल मना है, तो यहाँ की वीडियो तो नहीं बना पाएंगे, बाकी बाहर से ऐसे देख सकते हैं। ये सोफ्टे खाएंगे भाई यहाँ अंकल के पास, सोफ्टे खाने का मन कर गया, एक लीटर ट्राई कीजिए, ले ले मीठा ले लो, रबड़ी लो, रबड़ी कितना दो सर, चार चार, ये रबड़ी ले ली भाई, सोफ्टे नहीं लिए हमने, रबड़ी ले ली, रबड़ी अच्छी है, ले अभी रबड़ी खा रहे हैं, पानी पूरी नहीं, बेल मैगी खा रहे हैं, बड़ा पाव है, ये भूपेश और प्रवीण बैठे हैं, अच्छी है स्वाद है भाई वो रबड़ी। यहाँ से अब हमें निकल लिए है गुरु शिखर की तरफ, वहाँ रास्ते में 2-3 भी पॉइंट है, 2-3 जगह है देखने की, तो वहाँ दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या है देखने का रास्ते में। ओए पैंट लग रही है, ओए बेकार हो, अब दिलवाड़ा टेंपल से निकल के गुरु शिखर जा रहे हैं, जो सबसे टॉप पॉइंट है यहाँ का माउंट आबू का, तो अब वही निकल रहे। यहाँ रुक गए भाई फोटो खिंचवाने के लिए, अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ, ये देखो पीछे, गुरु शिखर, और अभी और ऊपर जाएंगे थोड़ा, पार्किंग में गाड़ी लगा के है, पार्किंग है, पार्किंग तो बहुत है यहाँ, ऊपर जाना अभी
अभी वहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाना अभी, यहाँ से ऐसे रास्ता है। प्राइवेट ही है, जबरदस्त है। कितने रुपए की है? ठीक लगा, 3,000 कर देंगे रेट तो, जिसमें लोगे रेट हो जाएगा। और बड़ी थ्री सर में 4D 3D 5D या जो है और भी ऐसे डिजाइन बहुत सारी मिल जाएगी। दिखा दिखा एक बार यो दे दे भाई। अतुल ने ले लिए 4-5 अतुल 5 ले लिए, दो परवीन ने और एक दो भूपेश ने, ये एक ही मसला है। 4 लिए, 4 एक अपना 15 का जैसे मुंह में आता है ऐसे। अरे के लेना था ना, ये भाई गुरु शिखर मंदिर है, यहाँ गुरु शिखर दत्त मंदिर टॉप में आगे भाई, गुरु शिखर मंदिर है ये, खाने पीने के ये मंदिर है यहाँ टॉप में, और इसे ऊपर और जा रहे हैं अभी हम, और ऊपर ले चलेंगे आपको, ये 220 सीढ़ियाँ हैं और ऊपर जाएंगे बिल्कुल टॉप में वहाँ मंदिर में, वहाँ सड़ गए भाग भाग कर सड़ गए ऊपर, अभी और मैं पहुंच गए ऊपर। चोटी पे मंदिर है, आ गया हम टॉप पे आ गया हम, आगे समतल जमीन आ गई। अरे यार वो दिख रहा है, देख छोटा 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 गांव है कोई लेक, माउंट आबू की सबसे ऊंची शिखर पे आ गए, जिसका गुरु शिखर के नाम से जिसको जानते हैं, तो बढ़िया मज़ा आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 360 डिग्री में देख रही चारों तरफ, बिल्कुल ऐसा गोल दिख रहा है ग्लोब की तरह, मज़ा आ रहा है बादलों से बिल्कुल ऊपर, ऐसा लग नहीं रहा जैसे राजस्थान में हम, ऐसा लग रहा है जैसे शिमला और मनाली की बिल्कुल छोटी वादियों में। नीचे जा रही गुरु शिखर से, यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा, ऊपर है काफ़ी लगभग 200-250 सीढ़ियाँ हैं। आते वक्त बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली, खिलौने ले लिए बच्चों के लिए, और चल रहे हैं अब, चल रहे हैं नहीं अभी न किले के नहीं, अभी जाएंगे फोर्ट देखने, यहाँ से रास्ते में फोर्ट पड़ेगा फिर न किले जाएंगे शाम को, हाँ रास्ते में पहुँचेंगे अपनी गाड़ी के पास, निकलते अभी यहाँ से। अब हम फोर्ट में जा रहे हैं, यहाँ किला है तो अभी किले के अंदर जाएंगे, यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा दी हमने, अचलगढ़ मंदिर के पास में ही है, यहाँ ऊपर 1.5 किलोमीटर, तो ये अब यहाँ से ये जीप में बिठा के ले जा रहे हैं, बोल रहे कि
₹500 में विद गाइड आप लोगों को घुमा के लेके आएंगे। और ऊपर मंदिर भी है, महादेव का मंदिर है और जैन मंदिर है और भी दो चार मंदिर बता रहे हैं कि वो मंदिर भी है, किला भी, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा के लेके आएंगे। और ₹500 विद गाइड, हम 4 पर्सन हैं तो लेके जाएंगे और हमें वापस यहाँ उतारेंगे फिर हमारी गाड़ी के पास। भाई जी में बैठ के गाइड भाई साहब हमारे बैठ गए, अभी आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या देखने का है। निकल लिए भाई यहाँ से, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि कीड़ी गलियाँ हैं यहाँ से नहीं निकलेगी आगे से जो भी गाड़ी है। ड्राइवर भाई साहब ये देखो भाई, मार्केट भी है यहाँ और बिल्कुल पतली पतली गली है, सबसे छोटी गली, बिल्कुल पतली गली है भाई, मुश्किल यहाँ से गाड़ी नहीं निकलेगी, पर्सनल गाड़ी नहीं निकलेगी यहाँ से, आपको उनके साथ जीप में आना पड़ेगा। हम भी यही सोच रहे थे कि हम अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आएंगे लेकिन यहाँ से नहीं निकलती गाड़ी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, बिल्कुल ओप में ही है, 4x4 ही गाड़ी अच्छे से चलेगी। यहाँ से किला स्टार्ट होगा, राणा कुंभा का पहला गेट है, तो राणा कुंभा ने यहाँ के पत्थर का बना हुआ है और ये हनुमान जी का मंदिर है। लेफ्ट साइड पे देखेंगे कपूर सागर लेक है, तो गर्मी में आते हैं तो इसमें कपूर जैसी स्मेल आती है, अच्छा कुदरत कपूर सागर लेक इसके नाम। किया हुआ अभी इसको जो जैन मंदिर के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, इसको 1444 मन गोल्ड की मूर्ति है इसके अंदर। दूसरा मैं आपको स्टोरी सब ऊपर से बता दूंगा और नीचे भी। ऊपर 5500 वर्ष चामुंडा माता का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, जो पांडव थे ना पांडवों का टाइम का, जो चोटीला गए अब गुजरात के अंदर, चामुंडा माता का मंदिर है वो यहाँ से गए माता जी पूरे पहले यहाँ था। हाँ पुराना बहुत मंदिर है, इस गेट तो ये बाद में बनाया मार्बल में, मंदिर पुराना पांडवों का टाइम का पूरा। कितनी चढ़ गए हैं अपने, ये जा रहे 4000 फीट के ऊपर और गुरु शिखर है 5653 फीट के ऊपर, ये दूसरे नंबर पे आता पूरा। ये 120 स्टेप आई है, 30-40 स्टेप और है। इधर FM रेडियो का टावर लगा हुआ है सामने, FM रेडियो मधुबन बोलते हैं उसका टावर लगा हुआ है। यहाँ आप आबू रोड से चढ़ के आए ना घाटी, वो वाली आई, यहाँ से रोड दिखेगा सामने से, जो घाटी चढ़ के आए हम माउंट आबू में, वो वाली तो सामने रोड कटिंग लगा हुआ है ना उसकी, वहाँ से ऊपर आया काल पैर। हाँ जी, क्या माता जी का होता है ना, वह भैरू जी का भी होता है। यहाँ पर मीराबाई ने 12 साल बैठ के तपस्या की हुई, जो कृष्ण भगवान की पंक्ति थी नहीं, तो मीराबाई के आंसू पड़े थे ना, ये आंसुओं का तालाब बना हुआ है, जो श्रावण भाद्रवा कुंड कहते हैं इसको,
सामने दिख रहा है वो चामुंडा माता का मंदिर, 5,500 वर्ष पुराना पांडवों का टेम्पल। ये चामुंडा माता का मंदिर है और ऊपर गोगा जी का ये चामुंडा माता का 5,500 पांडवों का टेम्पल। गुरु शिखर नहीं गए? अच्छा, दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है जो गिरनार के अंदर है, वहाँ पर जप किया और यहाँ पर तप किया दत्त भगवान ने। उसका इसके पीछे में तारा मंडल है जो दिन को भी तारे दिखाई देते हैं। बड़ा थोड़ी गवर्नमेंट गए हुए हो ना जॉब, तो वो जाने देते हैं। अमर सिंह से सामने तालाब दिख रहा है नहीं? हाँ, सतयुग की टाइम में पूरा देसी घी से भरा हुआ रहता था पूरा सतयुग में। जो सामने 3 पहाड़े दिखाई दे रहे हैं आपको तालाब के बीच, तो पहले के ज़माने में राक्षस का रूप धारण करके यहाँ घी पीने के लिए आते थे। यह साधु ऋषि मुनि बैठ के हवन किया करते थे, हवन के लिए घी जूठा हो जाता। तो आदिपाल परमार था यहाँ का राजा, तो ऋषि मुनियों ने आदिपाल परमार को शिकायत की। तो जैसे ही ये रात को घी पीने आए ना, तो उनको एक ही तीर से मार डाले। उनकी यादगारी के लिए इधर पत्थर के बना रखे। और सामने वो महल दिख रहा है ना, वो ऊपर परतरी का महल है वो। और ये गोपीचंद, परतरी और गोपीचंद दोनों मामा भांजा थे। 16 साल बैठ के इधर तपस्या की है इन्होंने। ये माँ काली की पूजा करते थे, अंदर माँ काली की मूर्ति है इसके अंदर। उठा दो, यहाँ से सीधा माँ काली के दर्शन कर लोगे। कैलाशपति महादेव है और माँ काली, मेरे को आना पड़ेगा, आपको दिखेगी। ये यहाँ के पत्थर की पूरी मूर्ति बनी हुई है, गोपीचंद राजा ने यहाँ के पत्थर माँ काली की पूजा करते थे। गोपीचंद यहाँ अंदर बैठ के दर्शन करते, एक गुफा के अंदर है मूर्ति छोटी सी गोपीचंद राजा ने, इसके अंदर रहेगा। जो मोबाइल की टॉर्च लेके जाकर देखना पड़ेगा उसको। आ जाओ मूर्ति का देखना। आ जाओ अंदर। देखना लगे नहीं हो सिर में। आ जाओ अंदर। सामने दिख रही है ना वाइट कलर की मूर्ति गोपीचंद राजा की, इधर अंदर बैठ के भजन करते थे गोपीचंद राजा। हाँ, इधर बैठ के तपस्या करते थे। गुफा किसी को पता नहीं रहता, गाइड साथ में रहता तो ही देखने के लिए मिलती है। ये तो बाद में बनवाए, तो बालू वगैरह आते हैं तो तोड़ देते ही। बालू की जैसे 400 बालू आता है। बालू क्या करता है, खाली आँख ही निकालता है, दूसरा कोई खाता नहीं। नाखून मारता है तो आँख के अलावा कहीं नहीं। आम दलेगी तो होटलों के पास ना, उधर जो गंदगी डालते हैं ना, उधर 3-3, 4-4 साथ में घूमते। ऐसे तो कोई बच्चे वाला होता है ना तो नुकसान पहुँचाते, वो सोचते कि बच्चे ले लेंगे, ऐसा होता है तो अपने पीछे भाग जाओ। तो डायरेक्ट खाता कोई खाए वाएगा नहीं अपने को, खाली आग ही निकालता है। इधर 10-1 लोगों को खाली है। हाँ, ये जंगल में कोई घास वास लेटे जाते हैं ना, वो ध्यान नहीं रहा, अचानक वार करता है, पीछे से मारता है। उसके नाखून इतने इतने बड़े होते हैं। हाँ, बहुत बार हमने देखे। हिरण है, 12 सिंगान है, वो सब है। शेर तो नहीं,
वो पेंतर वगैरह तो है, गाय भैंस मारते है, वो है, शेर तो नहीं है कभी। चीता तो रात को ठेठ ऐसे पतरे वाला टीन होगा ना, वो उसको भी तोड़ के अंदर चला जाता है गाय के लिए, ऐसा होता है। चीते तो, चीतों का तो कोई गिनती नहीं किया, भालुओं का गिनती किया इन्होंने फॉरेस्ट वालों, 300-400 भालू आपू के लिए, तो वो तो ज़्यादा बढ़ते ही रहते हैं क्या, वो बच्चे होते हैं तो भी खुल जाएगी यहाँ से, कई बार लोग ट्राई करके जाते हैं यहाँ से। अभी जैन मंदिर है ना कलवट किया हुआ है वो किले के अंदर, उसके अंदर जाएंगे, 1444 मण गोल्ड की मूर्ति है उसके अंदर, अभी उधर ही जा रहे हैं, फिर शिव जी के अंगूठे वाले मंदिर पे जाएंगे। यहाँ उतार दो बूट चप्पल, मोबाइल बंद कर दो। यहाँ मंदिर में अलाउड नहीं था वीडियो बनाना, तो हमने नहीं बनाई। अब बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर चलेंगे वापस नीचे की तरफ। भगवान के मंदिर में जा रहे हैं और शिवलिंग की पूजा नहीं होती, बस शंकर भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा। जो काम धेनु नंदनी का गाय का नाम सुना आपने, जो तो पाताल खाई थी, तो नंदनी पर्वत से नाम से जाना जाता है, तो पाताल खाई में गिर गई थी गाय। इधर 33 करोड़ देवी देवता है आबू के, आप तो टूरिस्ट पॉइंट ही देख रहे हैं, इसके अलावा आप घूमो तो बहुत है। तो इधर काम धेनु नंदनी गाय अंदर गिरी ना, तो 33 करोड़ देवी देवता आए थे इस मंदिर में, जो अंगूठे वाला उधर खाई को भरने के लिए, तो भी वो खाई नहीं भरी। तो काशी से शंकर भगवान ने दाहिना पैर लंबा किया, तो पूरा पहाड़ खाई में जा रहा था कि पूरा लंबा किया, तो स्थित किया अंगूठे के ऊपर के, हिलना नहीं डुलना नहीं, एक जगह स्थित। अभी भी पाताल खाई है उस मंदिर के अंदर, परम खाई है पूरी, और उसके खाई के अंदर ही शंकर भगवान का अंगूठा है। और उस मंदिर के अंदर नंदी है 4320 किलो का पंच धातु, पांच धातु से जो अहमदाबाद के पास में अहमदाबाद है ना, वहाँ से मोहम्मद बेगड़ा की सेना इस मंदिर को लूटने के लिए आई, तो ऑटोमेटिक उस भवरे निकले थे पैर में से, जो मधुमक्खी के भवरे होते हैं वो लाखों की तादाद में निकले थे, उस सेना का ऊपर टूट पड़े थे, इसलिए वो मंदिर बच गया। यहाँ तो 1444 मण गोल्ड की मूर्ति है, आदेश्वर दादा का मंदिर है, गोल्ड लगा हुआ आदेश्वर गोल्ड की, 20% मिक्स है, 80% गोल्ड, ऐसा कोई बोलेगा नहीं, पंचे पंच धातु गोल्ड, तो चौकीदार भी है अंदर से। नीचे आ गए भाई, महादेव का मंदिर है शिव जी भगवान का, हाँ वहाँ पे यहाँ उतार दो सर बूट चप्पल, यहाँ से ये गणपति का मंदिर है, गणपति भगवान, ये नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव मंदिर में 108 शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं, जो मेन मंदिर है ना अंगूठे वाला, ये बीच में है, महादेव जी का मंदिर है, पाताल लोक वाला मंदिर, जहाँ नंदी गिर गई थी, तो वहाँ अंदर अलाउड नहीं है, मंदिर के बिल्कुल अंदर जाना फोन लेके अलाउड नहीं है, तो यहीं तक दिखा सकते हैं, अंदर नहीं दिखा सकते। चलिए सर महादेव मंदिर से निकल के अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, मार्केट है पीछे, मार्केट के बीच में से रास्ता रही, अब यहाँ देख के भाई सारी चीज़ घूम ली, अब नक्की लेके जा रहे हैं यहाँ से, मंदिर से निकल के गाड़ी में बैठ रहे हैं, कि मेन मार्केट है नक्की लेक के पास में, अब वहाँ बोटिंग वगैरह भी होती है नक्की लेक में। लेक पहुंच गए हैं और गाड़ी लगाती पार्किंग में, और अभी जा रहे नक्की झील, दिखाते आपको। तो
अभी वापस आके टोपा लेके आया हूँ, ठंड होगी शाम होते होते, और अभी मॉल रोड पे आ गए, देखते कुछ अगर शॉपिंग करने के शॉपिंग करेंगे, नहीं तो एक बार मॉल रोड पे घूम के ही आएंगे। सामने नक्की लेकर पहुंच गए हैं मॉल रोड से। ये यहाँ पे वाटर एक्टिविटी भी है टाइप की, थोड़ी सी जगह है इसमें वाटर एक्टिविटी भी होती है, बोटिंग करें, उधर फाउंटेन चल रहे हो उधर। ये बहुत बड़ा है भाई, ये नक्की झील बहुत बड़ी है, बहुत पीछे तक है, और दिखाती हैं आप लोगों को, ये यहाँ बोटिंग हो रही है। पूरी बड़ी है भाई ये नक्की लेक, ये वहाँ से ये बोटिंग हो रही है यहाँ, ये चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है, बीच में ये लेक है, ये भारत माता मंदिर बिल्कुल नक्की लेक के बिल्कुल साथ में। अभी और दिखाते हैं आप लोगों को आगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ शॉपिंग की, रेड रहेगी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये मार्केट है, पूरी पूरी मार्केट है भाई, ऊपर ये बच्चों के लिए गेमिंग जोन है ये यहाँ पे। भैया ये चारों तरफ ये लाइट ही लाइट है, ये फाउंटेन चल रहे हैं बीच में, ये क्राउड देखो भैया। अब चलते हैं भाई यहाँ से, ये रहे नक्की लेके यहाँ, बस ये है शॉपिंग करने के लिए, ये मार्केट है, और ये वोटिंग करने के लिए, बस घूमने के लिए एंजॉय करने के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ। क्राउड देखो भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ। मार्केट से होते हुए अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और रास्ते में है चौक के ऊपर बिल्कुल डोमिनोज में खाएंगे कुछ, कभी चने खाए हमने यहाँ, चने थे खा के पिज़्ज़ा, फिर निकलेंगे उदयपुर, सीधा उदयपुर रुकेंगे और कल उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो सॉफ्टी के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और ये आइसक्रीमों के लिए कितना रस है यहाँ, ठंड भी है और सब ठंडी चीज़ें खा रहे हैं। ये देखो यहाँ चौक पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये साइड में हमारा डोमिनोज, यहाँ मिला हमें चौक, बिल्कुल चौक के ऊपर है। अब यहाँ चलते हैं तो कुछ और खा पी के तब निकलेंगे यहाँ से उदयपुर के लिए। ये ऑर्डर कर रहे हैं भाई, भाई अपने पिज़्ज़ा आ गए अभी, और ऑर्डर करके और आ रहे हैं अभी, उसके बाद शुरू करते, अभी कर ही रहे हैं शुरू। ये खा लिया भाई हमने, पिज़्ज़ा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, पेट भर गया भाई, मजा आ गया मैं खींच दिया मीटर,
डोमिनोज में पिज्जा खा के भाई यहाँ से निकल लिए हैं, अब उदयपुर रुकेंगे। उदयपुर अभी जाएंगे, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है, तो नाइट में वहीं स्टे करेंगे। तो पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। अब माउंट आबू से निकल के उदयपुर की तरफ जा रहे हैं, लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे का ट्रैवल है। डिनर हो ही गया पिज़्ज़ा खा के, और अब 3 घंटे में पहुंच ही जाएंगे, 3 से 3.5 घंटे में। उदयपुर से 10-15 किलोमीटर पहले रुक गए हमें यहाँ, ये रिजोर्ट है रॉयल रिजोर्ट के नाम से, तो यहाँ रुक गए हैं, सुबह निकलेंगे यहाँ से। ये रिजोर्ट है हमारा, गाड़ी अंदर लगा दी है। ठीक है, रूम वगैरह हमने देख लिए थे, यहाँ के रिसेप्शन है अंदर, रेस्टोरेंट भी इसी के अंदर, और अभी रूम में जा रहे हैं। ये हमारा रूम है भाई, एक्स्ट्रा बेड नीचे लगवा दिया है। ये रूम वगैरह, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।